कहते हुए आज फिर से ब्लॉगिंग टेस्ट कर रहा हूँ और अभी मैं फ़िलहाल अपना ऑफिस जा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉगिंग की थी तब मैं ऑफिस गया था, उसमें भी मैं ऑफिस गया था तो वो मैं मेन सड़क से गया था और एक ही रास्ते में दो बार एक ही कंटेंट के ऊपर ब्लॉग करना मेरे को थोड़ा खटका, इसलिए मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। जो अंदर वाला रास्ता है मतलब कि गली रास्ते हैं वहाँ से जाऊँगा, कोई मेन रोड में मैं नहीं जाऊँगा, पूरा अंदर से ही जाऊँगा। उसी रास्ते के ऊपर मैं कुछ क्लिप्स लूँगा, देखूँगा कि वीडियो और ऑडियो ठीक ठाक से आया कि नहीं और इसको मार्च करूँगा, देखूँगा कि ठीक ठाक से मार्च कर पाता हूँ कि नहीं, अपलोड हो पाता कि नहीं, यही बस। अच्छा, मेरे साथ बाइक के साथ एक पंगा हो गया है। बाइक के साथ पंगा हो गया मतलब मेरे बाइक का जो बैटरी है वो लॉकडाउन जब चल रहा था तब बाइक मैंने एकदम नहीं निकाला था और स्टार्टिंग वगैरह भी बाइक के साथ नहीं किया था, तो बाइक का जो बैटरी वो एकदम बिल्कुल बैठ गया था। जब अनलॉकिंग शुरू हुआ तब मैंने जाके बाइक के बैटरी रिप्लेस करने की कोशिश की, परंतु जो स्टॉक का जो बैटरी था जो कंपनी से आया था वो था एक्साइट कंपनी का, तो एक्साइट के डीलर में मैं गया, बैटरी ख़रीदने की कोशिश की परंतु बैटरी मुझे नहीं मिला। और तब एक्साइट वालों का कहना था कि भाई चीन के साथ पंगा चल रहा है इसीलिए बैटरी का सप्लाई बंद हो गया है। बाद में मैं दो शॉर्ट ट्रिप किया उसी बैटरी के साथ जिसको मैंने चार्जिंग की थी बैटरी का, उसके बाद बैटरी फिर से पहले जैसा रिस्पॉन्स कर रहा था। तो मैं दो छोटा शॉर्ट ट्रिप किया उसके साथ, लगभग एक एक ट्रिप 320 किलोमीटर का था और दो 320 किलोमीटर का मैंने ट्रिप किया, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। परंतु फिर से मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हो गया था और लगभग 20 दिन तक बाइक पड़ा रहा था, स्टार्टिंग नहीं हुई थी बाइक के, तो उसके बाद सेम प्रॉब्लम मतलब कि बाइक का बैटरी बिल्कुल बैठ गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था। हालांकि मीटर और जो इंडिकेटर था वो चल रहा था परंतु स्टार्ट नहीं ले रहा था बाइक, धकेल के स्टार्ट करने की कोशिश की फिर भी नहीं हुआ, तो मजबूरी में मुझे आके बाइक जो है वो बैटरी का जुगाड़ करना पड़ा। जुगाड़ मतलब एक दुकान पे मैं गया और दुकानदार मुझे सलाह दी कि भाई 9 एम्पियर का बैटरी छोड़ दो, तुम 7 एम्पियर का बैटरी लगा लो, इससे स्टार्ट हो जाएगी बाइक और चलेगी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाइक का बैटरी मैंने रिप्लेस कर ली, रिप्लेस नहीं किया, जो स्टॉक वाला बैटरी था पुराना वाला वो अपने पास रख लिया और नया वाला एक थोड़ा साइज़ में छोटा है 7 एम्पियर का बैटरी, हालांकि वोल्टेज सेम है 12 वोल्ट ही है पर एम्पियर 7 है मतलब कि 2 एम्पियर कम है, वो वाला बैटरी मैंने अपनी बाइक में फिट की और ख़ुद अपने हाथों से की। तो उसका मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की क्योंकि तब मेरा मन बहुत ख़राब था, क्योंकि सब जानते भाई उम्मीद लगा के बैठे रहते हम राइड में जाने के लिए और अनलॉकिंग टाइम चल रहा है, राइड का प्लान कर रहे हैं और तब अगर बाइक ख़राब हो जाता है और अगर लोग बोलते मतलब कि गैराज वाले बोलते हैं कि भाई वो रिप्लेसिंग पार्ट्स नहीं है, तो मन और भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो कभी दिखा दूँगा फिर से। अंदर वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा होता है परंतु शांति से जा सकते हैं, मतलब कि ट्रैफिक वगैरह बहुत कम है, आराम से चल सकते हैं। फिलहाल मैं आगे कुछ देर जाके उधर रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जिस पर्पज़ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा था कि 4-5 क्लिप्स लेना है मुझे, 1-2 मिनट का एक एक क्लिप रहेगा ताकि मैं
समझ पाऊँ कि ठीक ठाक से ये मेरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र होता है कि नहीं वाईफाई के द्वारा, तो वो मुझे कंफर्म करना था। और जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्शन, उसका उपयोग करते हुए मैं ठीक ठाक से ब्लॉग कर पाता हूँ कि नहीं। अगर ठीक से कर पाता हूँ तो उसको, अगर मेरा यूज़ करना आ गया मुझे, तो मैं उसी को परचेज़ कर लूँगा। परंतु उसके लिए ट्रायल लेना ज़रूरी है, क्योंकि मानिए कि मुझे यूज़ करना नहीं आया और पहले से मैं परचेज़ करके बैठा रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता, मेरा पैसा ज़्यादा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद ही परचेज़ करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ। हड़बड़ी में इसलिए हूँ कि ऑफ़िस से मुझे कॉल आ रहा है बहुत ज़्यादा, कहाँ पे हो, सिग्नेचर करना है, पेमेंट करना है, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे अपना कैमरा भी खोलना है, क्योंकि मुझे शर्म आता है ऐसे लोकल पब्लिक के सामने ब्लॉग करते हुए। लोग पूछेगा कि ये क्या है भाई, बोलना पड़ेगा कि कैमरा है, क्यों लगाए हो। मैं ब्लॉग करता हूँ सर, यूट्यूबर हूँ, और लोग कहेगा कि भाई शाहरुख खान बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं बंदा, तो इसमें ना मुझको शर्म आता है, ये सच्ची बात है। और अभी मैं जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पे मुझे शायद ट्रैफिक जाम फेस करना पड़े, और जहाँ पे मुझे इन सवालों का जवाब, मतलब लोग पूछेगा कि भाई अरे भाई सिंह तो देख लो, लोग पूछेगा कि ये क्या है भाई, ये कैमरा है सर, क्यों लगाया हो, सेफ्टी के लिए, फिजूल की बातें। तो मैं आगे जाके ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, अभी मेरा पर्पस हो गया, यहाँ पे मैं एंड कर दूँगा। मैं कुछ रास्ता चला आया हूँ, अभी भी बहुत सारा रास्ता बाकी है ऑफिस के लिए, मुझे बहुत देर तक जाना है। अभी लगभग 3 किलोमीटर में आया हूँ और मुझे 6 किलोमीटर अभी भी जाना है ऑफिस के लिए, तो इसीलिए अभी मैं स्टॉप कर दूँगा और ध्यान से बाइक चलाऊँगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी पहुँच सकूँ ऑफिस। और इन सब रोडों में ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे तो सिर्फ देखना है कि मुझसे हो पाता है कि नहीं, और फालतू का टाइम बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई देखेगा भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कोई देखे। अगर कोई देखेगा तो बोर ही होएगा, और कह नहीं सकते श्योरली, वो सेंसलेस भी हो सकता है। इतना घटिया ब्लॉगिंग शायद कभी किसी ने नहीं बनाया होगा, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। पर हाँ, ये मैं वादा करता हूँ कि आगे वाला, आने वाला कंटेंट जो है, जो आएगा कुछ दिनों के बाद, वो सब ज़बरदस्त होगा, मस्ती वाली होगी, इतना तो कंफर्म है, इतना तो श्योर कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।